मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में सिद्ध महाकाली तंत्र साधना शमशान में कैसे की जाती है वशीकरण की, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं आज कर रहा हूँ एक भाई बंधु के लिए। तो इस साधना के लिए दोस्तों एक इस प्रकार का एक पुतला बनाना पड़ता है देवी का, जिसके ऊपर दो आंखें लगी हुई होनी चाहिए और एक भैरव माला और एक मंगलसूत्र। अगर आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं और आपका प्यार अगर बिछड़ गया है, तो ये तंत्र साधना दोस्तों नवरात्रि में बहुत करने से निश्चित रूप से आपका प्यार आप लौट कर आपके वापस आएगा। आपका जीवन जो दुखों से भरा हुआ है वो वापस आपका सुखद जीवन बदल सकता है। नवरात्रि में ये साधना आप ये रात्रि को 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप ये साधना कर सकते हैं शमशान में। और दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस साधना को करने के लिए आपको चाहिएगा ये भैरव माला, इस प्रकार से पुतले पे बांधनी है, और सामान्य से जौ, काले तिल, पीली सरसों, और आपको चाहिए एक कस्तूरी, ओरिजिनल कस्तूरी, और आपको चाहिएगा एक कामदेव यंत्र। ये देखिए दोस्तों, ये है कामदेव यंत्र, ये है कामदेव यंत्र, और एक चाहिए आपको वशीकरण यंत्र, सबसे शक्तिशाली साधना करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा कस्तूरी आप इसको फोड़कर आप डाल देंगे हवन की सामग्री के अंदर, एक होल करके ओरिजिनल कस्तूरी, चाय के पत्ती के दाने जैसे दाने गिरेंगे इसके अंदर से, एकदम ओरिजिनल कस्तूरी से ये हवन होगा। और कामदेव यंत्र उसके अंदर आपके लिए तड़प जगाने के लिए कामदेव यंत्र और एक वशीकरण यंत्र, इस प्रकार से ये साधना रात को आप करेंगे, फिर आप आहुति देंगे। और जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसका फोटो आपको पुतले के पीछे देखते जाएंगे और आहुति देते जाएंगे, और मंत्र इस प्रकार बोलेंगे, ओम नमो कामदेव देव, ओम नमो कामदेवताय प्रसन्नस्तु अमुक स्त्री मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 7 बार उसके पुतले के ऊपर, फोटो के ऊपर और वशीकरण यंत्र के ऊपर 7 बार घुमा के फिर आप पहली आहुति देंगे, ओम नमो कामदेवताय प्रसन्नस्तु नमः। फिर इसके बाद में कंटिन्यूस आहुति 108 देंगे, ओम नमो कामदेवताय प्रसन्नस्तु भ्यम नमो नमाय नमः स्वाहा अमुक स्त्री मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु भ्यम नमो नमाय नमः स्वाहा ओम नमो कामदेवताय प्रसन्नस्तु भ्यम नमो नमाय नमः स्वाहा अमुक स्त्री मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु भ्यम नमो नमाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों नवरात्रि के अंदर और काली चौदस और अमावस्या के दिन इस सबसे पावरफुल तंत्र साधना की जाती हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई काट नहीं। इस प्रकार से दोस्तों ये साधना करने के बाद में आपको एक अच्छा सा धूप, 5 अगरबत्ती इसके ऊपर पुतले के ऊपर घुमाएंगे और मंत्र बोलेंगे, काली माँ कंकाली माँ कपर में खाने वाली मशान में लौटने वाली अमुक स्त्री को मेरे पास में काट के ला, पीट के ला, लूट के ला, मेरी नहीं चले तो वीर कंकाली की आन फिरे, ईश्वर साचा पिंड कचा चलो मंत्री जहाँ गुरु जहाँ गुरु का ही युग साचा, जय माँ भद्रकाली, काली माँ कंकाली माँ कपर में खाने वाली मशान में लौटने वाली अमुक स्त्री को मेरे पास जीवन भर के लिए काट के ला, पीट के ला, लूट के ला, मेरी नहीं चले तो वीर कंकाली की आन फिरे, ईश्वर साचा पिंड कचा चलो मंत्री जहाँ जहाँ गुरु का युग साचा, ओ माँ भद्रकाली प्रसन्नस्तुम नमः। 108 आहुति इसकी देने के बाद माँ भद्रकाली का 108 बार अगरबत्ती या धूप पुतले के ऊपर घुमाएंगे, फिर वापस एक बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण मंत्र बोलेंगे, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक स्त्री मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति देंगे, फिर 108 ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक स्त्री मम वश्य वश्य
आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र की फिर 108 आहुति देंगी। इस प्रकार से नवरात्रि में आपकी प्रचंड महाशक्तिशाली साधना कस्तूरी से हवन करके कोई भी स्त्री या पुरुष हो, पत्थर दिल इंसान हो, चाहे कितना भी पत्थर हो, कितना ही उसके अंदर आपके लिए नफरत हो, गुस्सा हो, या पर स्त्री के ने उसके ऊपर कर दिया हो, या किसी थर्ड पर्सन ने उसके ऊपर कर दिया हो, सब तंत्र बाधाएं कट जाती है नवरात्रि में और ये साधनाएं सफल और सिद्ध होती हैं। दोस्तों, ये साधनाएं आप हमसे करवा सकते हैं और हमारी जो भी ब्रांचें हैं अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, सभी जगह पे हमारी ये साधना का प्रमुख केंद्र है, आप वहाँ पर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।